सुप्रभात बच्चों, आज भक्तिन पाठ के दो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। केवल पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? लक्ष्मी था। यह नाम उसको उसके पिता ने दिया था और संभवतः इसलिए दिया था क्योंकि घर में कन्या के आगमन के साथ घर में सुख समृद्धि आएगी, इसलिए वो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के नाम पर अपनी पुत्री का नाम क्या रखता है? लक्ष्मी रखता है। और जो कालांतर में लोगों के द्वारा लक्ष्मी ना कह के लक्ष्मीन हो गया था। उसके बाद ये भी कह सकते हैं इसमें कि भक्तिन जो नाम था वो किसने दिया था? भक्तिन नाम दिया था किसने? महादेव वर्मा ने। किस कारण से दिया था? वो इस कारण से दिया था क्योंकि महादेव वर्मा ने जब उसको पहली बार देखा था उस समय उसका सिर मुंडा हुआ था और साथ ही उसके गले में कंठी माला पड़ी हुई थी, तो उसकी जो वेशभूषा थी वो भक्त लोगों जैसी थी, इसलिए उसका नाम भक्तिन रखा। अब दूसरा प्रश्न आता है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो ये दो कन्या रत्न, अब आप कहेंगे कि उसके तो तीन वो थी, तीन पुत्रियां थी, तो दो कन्या रत्न पैदा होते ही एक आक्षेप सा उसको अपने परिवार में झेलना पड़ा, अपने ससुराल में झेलना पड़ा, क्योंकि उसकी जो दो जेठानियां थी उनकी केवल जो संतानें थी वो केवल पुत्र थे और सास के भी तीन पुत्र थे। इसलिए उसने जो लीक से वो हटके चली और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो नियति थी। इस वजह से जेठानियाँ और सास मुँह बिचकाकर उसकी उपेक्षा करने लगी थी और साथ ही साथ उसको घर में वो सम्मान अब नहीं मिलता था। तो ऐसी घटनाओं से हमें लगता है कि ये जो भेदभाव वाली घटना होती हैं, किसकी? पुत्र और पुत्री के बीच में लोग भेदभाव करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि समाज एक गलत रास्ते पे चला जाता है। और इस धारणा को जो प्रबलता मिलती है, शक्ति मिलती है, वो भी स्त्रियों के द्वारा ही मिलती है। पुरुष समाज के लोग संभवतः इन चीज़ों में ज़्यादा भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो स्त्रियाँ होती हैं उनके विचार कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए वो पुत्रों को ज़्यादा महिमावान मानती हैं पुत्रियों की अपेक्षा। तो आप देखते हैं कि जो स्त्री है वही स्त्री जाति की उसमें दुश्मन बन गई है। तो एक हिसाब से यहाँ पे सहमति का भाव है, लेकिन ये सब जगह नहीं है। कुछ जगह ऐसा भी है कि स्त्रियाँ पुरुषों को और मतलब लड़कों को लड़कियों को समान महत्व देती हैं। तो ये आपके विचार इस पे हो सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारा काम है। धन्यवाद बच्चों।